न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नाबालिग प्रेमी ने टीचर को चाकू से गोद डाला, प्रेम प्रसंग को लेकर किया कत्ल। सरकारी विद्यालय की गर्भवती शिक्षिका की चाकू मारकर हत्या करने की वारदात में एक महीने बाद पुलिस ने रविवार को एक 17 वर्षीय लड़के को पकड़ा, जिसके साथ शिक्षिका के कथित तौर पर विवाहित संबंध थे। पुलिस ने कहा कि लड़का रिश्ता खत्म करना चाहता था, लेकिन शिक्षिका उस पर इसे जारी रखने के लिए दबाव बना रही थी। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के पठानपुर अतरोली निवासी सुप्रिया वर्मा बीकापुर तहसील क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। वह पति व अपनी मां के साथ अयोध्या में रहती थी। 5 माह की गर्भवती सुप्रिया वर्मा की गत 1 जून को दोपहर के वक्त अयोध्या के श्री रामपुरम कॉलोनी में हथियार से हत्या कर दी गई थी। वारदात के समय वह घर में अकेली। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के पठानपुर अतरौली निवासी सुप्रिया वर्मा बीकापुर तहसील क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। वह पति व अपनी मां के साथ अयोध्या में रहती थी। 5 माह की गर्भवती सुप्रिया वर्मा की गत 1 जून को दोपहर के वक्त अयोध्या के श्री रामपुरम कॉलोनी में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। वारदात के समय वह घर में अकेली थी। पुलिस ने बताया कि महिला का एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के से कथित तौर पर प्रेम था और वो लड़का इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह उस पर संबंध बनाए रखने के लिए दबाव बना रही थी। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने रविवार को पीटीआई भाषा को बताया कि नाबालिग लड़का शिक्षिका के साथ अपने रिश्ते से बाहर आना चाहता था, क्योंकि लड़का समाज और परिवार में अपनी प्रतिष्ठा से डरता था। उन्होंने कहा कि शिक्षिका कभी नहीं चाहती वह उस रिश्ते को समाप्त करे। पांडे ने बताया कि वह लड़के पर रिश्ते में बने रहने का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर लड़का घर में घुसा और शिक्षिका को धारदार हथियार से मार डाला। उन्होंने कहा कि लड़के ने लोगों का ध्यान हटाने के लिए घटना को लूट का रूप देने की कोशिश की। इसके लिए लड़के ने कमरे में रखी गई अलमारी से 50,000 रुपए नकद और अन्य कीमती सामान ताला तोड़ कर उठा लिए। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर मिली एक शर्ट से सुराग लगाया, क्योंकि यह कपड़ा मृतका के पति का नहीं था। इसी से जांच को एक नई दिशा मिली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सभी सामान बरामद कर लिए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाइकबुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।